कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग ट्वेंटी परसेंट डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस अब क्योंकि ईयर के स्टार्ट में सेल हो गया तो डेप्रिसिएशन का तो इशू नहीं आएगा वट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ रिवेल्यूशन सरप्लस एट डिस्पोजल ऑफ एसेट तो डिस्पोजल के टाइम पर तो रिवेल्यूशन सरप्लस सारे का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा तो रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट और पूरी जो टू मिलियन की वैल्यू है ये इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए तो ए ऑप्शन इज करेक्ट जिसमें सरप्लस ऑन इवेलेशन डेबिट और रिटेनिंग क्रेडिट हो रहा है क्योंकि सरप्लस ऑन एवेलन कम हो जाता है और रिटेनिंग बढ़ जाती है ये ट्रांसफर है बी में जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट में गलत लिखे हुए हैं और बाकियों में तो जो अमाउंट अकाउंट्स हैं वो ही गलत हैं फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अमाउंट गलत है और इसमें इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर इफेक्ट डाला हुआ है तो ये बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन है क्या नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग रुपीज़ टू वन सिक्स थाउजें एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ़ रूपीज़ वन फोर्टी फाइव थाउजेंड इज रिवैल्यूड टू रुपीज़ टू नाइन्टी वन थाउजेंड हाउ शुड रिवेलूशन भी रिकॉर्डिड इसके लिए कुछ बेसिक ही हम कैलकुलेशन बना लेते हैं तो इक्यूमलेटिड एप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई लेकिन जो कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस होती है वो आपकी इक्यूमलेटिड डेप्रिसिएशन होती है अब गेन ऑन रिवेल्यूशन कैलकुलेट हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कि टू तो नाइन्टी वन थाउजेंड और जो आपकी कैरिंग वैल्यू है वन फोर्टी फाइव थाउजेंड इनका डिफरेंस है और अब जो एंट्री होगी उसके अंदर एक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो सेवेंटी वन थाउजेंड से डेबिट होनी चाहिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अंदर ये डेबिट हो रही है गेन जो है वो वन फोटी सिक्स थाउजेंड से क्रेडिट होना चाहिए तो ये भी ठीक क्रेडिट हो रहा है इसके मुताबिक और जो एसेट है वो नेट अगर दो एंट्रीज करने के बजाय कंबाइन एंट्री करते हैं तो एसेट जो है वो नेट सेवेंटी फाइव थाउजेंड से डेबिट होगा

तो ये भी रिक्वायरमेंट है रिवेल्यूशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आई सिक्स की डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट है सो वन टू फोर ऑल वुड बी आर आंसर फोर्टींथ है कि आई सिक्सटीन इंकरेजेस डिस्कलोजर ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट फाइंड इट टू बी यूजफुल सो कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्पररी आइडल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यस इट इज़ इनकरेज ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड पीपी यस कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्प फॉर डिस्पोजल यस वैन द कॉस्ट मॉडल इज यूज द फेर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वैन दिस इज मटीरियली डिफरेंट ये चारों डिस्कलोजर्स ऐसे हैं जो आई सिक्सटीन इनकेज करता है कि हमें देने चाहिए आल दो के ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन है दैट इज डी वुड बी करेक्ट वन टू फोर ऑल फिफ्टीन थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट एन एनटिडी में प्रेजेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को रिफ्लेक्ट करना लाजम है इसलिए और तो नहीं कह सकते नेट कैरिंग अमाउंट भी बतानी होगी और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट लीस्ट जो बिगनिंग और एंड पर बताना तो लाजमी है इधर यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट आर टू बी डिस्क्लोज बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड ये स्टेटमेंट करेक्ट है टोटली totally. अंडर रिवेल्यूशन मॉडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर रेव्यूड एट एंड ऑफ ईच ईयर ये रिक्वायरमेंट नहीं है सफिशियंट रेगुलरिटी से करना चाहिए वो चाहे हर साल बने या इससे ज्यादा गैप बन जाए इफ एडेंटिटी चूज इज रिवेल्यूशन मॉडल इज मस्ट अप्लाई रिवेल्यूशन मॉडल टू ऑल ऑफ इट्स प्रोपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो ऑल पे नहीं क्लास वाइज एप्प्लीकेशन होती है तो यह स्टेटमेंट भी गलत है बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट सिक्सटीन है वकास लिमिटेड परचेज मशीन फॉर रुपीज थर्टी थाउजेंड ऑन वन जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड असाइंड इट अ यूजफुल लाइफ ऑफ ट्वेल्व ईयर्स

यूजफुल लाइफ रिमेनिंग जो है वो ट्वेल्व ईर्यर में से टू पॉइंट टू फाइव ईयर निकाल दें तो नाइन पॉइंट सेवन फाइव अब इस ईयर में जब रिवेलेशन से पहले की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट थ्री मंथ्स में थर्टी थाउजेंड का एसेट ट्वेल्व ईयर्स की यूजफुल लाइफ थ्री मंथ्स की डेप्रिसिएशन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के बाद एसेट की वैल्यू थर्टी टू थाउजेंड हो गई है रिमेनिंग लाइफ नाइन पॉइंट सेवन फाइव और नाइन मंथ्स की डेप्रिसिएशन टू फोर सिक्स टू दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो थ्री जीरो एट सेवन यही हमारा आंसर होना चाहिए next a business purchased building costing rupees 7.5 million on 1st january 2018 the policy of business is to charge straight line depreciation over its useful life of 20 years on 31st december 2020 so it means 2 years later building was revalued to 7.65 million what is the amount of incremental depreciation to be transferred to returning at the year ending 31st december 2021 Any revaluation in next year तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यूजफुल लाइफ वगैरह का एस्टिमेट तो चेंज नहीं हो रहा तो डेप्रिसिएशन जो रिवेल्यूशन से पहले कैलकुलेट हो रही थी पर एनम दैट वॉज थ्री सेवेंटी फाइव थाउजेंड और अब जो कैलकुलेट हो रही है रिमेनिंग लाइफ सेवनटीन ईयर्स इसलिए क्योंकि इस टाइम uh, पर एटीन uh, का ईयर गुजर गया फिर नाइनटीन का गुजर गया और फिर ट्वेंटी का गुजर गया तो तीन साल गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग लाइफ सेवनटीन ईयर्स की बेसिस पर फोर फिफ्टी थाउजेंड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी सेवेंटी फाइव थाउजेंड यही हमारा आंसर है बिजनेस एसेट ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सिंग रुपीजुल लाइफ ऑफ टेन विधिडल एसेट इज रिवैल्यू टू रुपीज फोर पॉइंट फाइव मिलियन और बिजनेस एज पॉलिसी टू चार्ज स्टेट लाइन डेप्रिशिएशन वट इज द ड्रिशिएटीन तो इसमें हमें कॉस्ट वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं है Year के स्टार्ट में रिवेलूशन हो रही है इन द अमाउंट पर कैलकुलेट होनी चाहिए और रिमेनिंग लाइफ टू ईयर्स गुजरने के बाद टेन में से टू ईयर्स निकाल दें तो एट ईयर है बिजनेस परचेज एन एसेट ऑन फास्ट जनवरी हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ टेन ईयर्स विद निल रेजिडल वैल्यू

उंट निकालिए इसके डिफरेंस के तौर पर हम निकाल लेंगे फाइव हंड्रेड थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन है कि अबेस्ड एन एसेट ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन कॉस्टिंग रुपीज फाइव मिलियन हैविंग अलफ ऑफ टेन ईयर्स विद निल रेजिड वैल्यू इन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन बैलेंसिटी डेप्रियन वज रुपीज वन मिलियन एसेट इज रे वैल्यू टू फोर पॉइंट फाइव मिलियन स्टार्ट ऑफ द ईयर पे स्ट्रेट लाइन मेथड है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बतानी है 2018 के लिए हमने सो वंस अगेन जो डेप्रिसिएशन रिवेलशन से पहले हमारी पा चार्ज हो रही थी ओवर टेन ईयर्स बेसिस तो फाइव मिलियन की कॉस्ट थी टेन ईयर्स की लाइफ थी फाइव हंड्रेड थाउजेंड बनती है और अगर आप इसको अब रिवाइज वैल्यू पर भी टू ईयर्स के बाद भी कैलकुलेट करना चाहें तो एसेट फोर मिलियन का है, और एट ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ अगर अमाउंट रिमेनिंग लेंगे तो लाइफ भी रिमेनिंग लेंगे तो वो भी सेम फाइव हंड्रेड थाउजेंड ही बनती है आफ्टर इलेन जो है वो एसेट 4.5 मिलियन का हो गया है और एट ईयर पर डेप्रिशिएट करेंगे तो 562 500 की डेप्रिसिएशन बनेगी तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है दैट इज 62,500 सो दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे